तीन एक्स्ट्रा वर्नर जिस मुकाबले का आपको इंतजार था उतारा वर्षित जिंदे ई स्टार होता हुआ पहली गेंद उच्च वार्नर के लिए पहली बॉल अच्छी बॉल डालते हुए पर खराब फील्डिंग के कारण अचार रन लगे मिलते हुए पहली गेंद भी बाउंड्री लाई है और के खरगड़ी के खरगड़ी अपनी फॉर्म दिखाते हुए सो गया के पक्के पक्की यारी है इनकी बंदा सो गया भाई से नजर रहेगा इस मुकाबले में उनको पूरा आनंद लेने दिया जाए चुप रहिए थोड़ी देर सेकेंड बॉल रहेगी और पहली तो एक बार फिर खराब बॉल रहेगी और खा दिया जा अच्छा रन दो ही गेंद डाली है और दो ही गेंदों में बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन नई बात नहीं सही टप्पा पकड़ना होगा ऑफ स्टंप के पास कंधों के बॉल कंधों के पास एक बॉल डालनी होगी अगर मुकाबले में जान डालनी है तो इस बार शानदार बॉल रहेगी लो फुल्टोस ऑफ स्टंप के ऊपर बैट्समैन के पास कोई मौका नहीं है रन मारने का सिंगल अब उचाना के सबसे अनुभवी बैट्समैन और अनुभवी प्लेयर शक्ति शक्ति सिंह रहेंगे स्ट्राइक पे गोठड़ा के प्लेयर से भी नियोजन रहेगा बैठ जाइए भाई मुकाबला देख के जाइए इसके बाद एक और मुकाबला होना है सुल्तानगढ़ बनावे दोनों टीमों से जो मुकाबला जीतेगी उसके साथ होगा और यावर की चौथी बॉल और घुमाने का प्रयास है आते ही प्रयास और इस बार शानदार फील्डिंग रहेगी फील्डर द्वारा जहां जोक रखी है पूरी इस मुकाबले में पता है और वो इस मुकाबले की अहमियत अगर आज इस ये मुकाबला हारे तो सीधा घर जाएंगे और आज अगर उचाना को हरा देते हैं तो फिर मुकाबले में बने रहेंगे और हमारे बड़े भाई सतपाल पिपद आ चुके हैं तो उनको बैठने के लिए उनको हमें आपको देखा हाल अब आपको मुकाबले का वही बताएंगे बढ़िया बढ़िया प्रवेश है 5 गेंदों में अभी तक 13 रन बने हैं ये बॉल और ये लीजिए स्टेट ड्राइव फील्डर वहां पर बेहतरीन प्रयास था शानदार जबरदस्त मजा आया फील्डिंग देख के ये वही फील्डर है रमेश रमेश यानी लेफ्टी वाले बड़े फंस गए अच्छा प्रयास था क्या मेरा क्या तेरा टोटल स्कोर है 13 एक ओवर की समाप्ति के बाद भाई बॉलर ये 6 ओवरों का मुकाबला खेला जा रहा है एक ओवर की समाप्ति के बाद उचाना हरियाणा का बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे वार्नर ने अभी तक 4 गेंदों का सामना किया है 12 रन बनाए हैं शक्ति ने 2 गेंदों का सामना किया 1 रन बनाया है फिर से सुने एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन अब बल्लेबाज वार्नर रहेंगे सामने गेंदबाज संजय संजय अच्छे गेंदबाजी करते हैं अपने टीम की तरफ से 7-8 साल से लगातार उनके अहम भूमिका गेंदबाजी में ये चले और यहाँ बहुत अच्छा प्रयास का बॉल ओहो जाइए टिकट काट दी गई है वार्नर की और वार्नर की पारी हो चुकी है समाप्त बहुत बड़ी विकेट अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं अंकित शेराण अंकित शेराण आ रहे हैं नए बल्लेबाज बड़ी उम्मीदें रहेंगी इस बल्लेबाज से लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं अपनी टीम की तरफ से और उसके बाद आने वाले नीरू उचाना लकी विकी ये अहम खिलाड़ी हैं इस टीम की तरफ से
मनु कौशिक भाई देखते हैं अभी आप मैच अभी बहुत बाकी है भाई, बेचारा आउट हो चुका है बाकी। अब फील्ड को देखा जा रहा है बल्लेबाज के द्वारा और फील्ड जो फैलाई गई है बाहर की तरफ लॉन्ग ऑन पे तो दिखाई दे रहे हैं और शानदार जबरदस्त गेंद है। इस वक्त छोटी गेंद थी लेकिन नीची रहती हुई डॉट बॉल के लिए। अच्छे बल्लेबाज है अंकित और ये गेंद इस बार अच्छा प्रयास पार्टनर पे डाली गेंद को बैट संपर्क पूरा नहीं देखने को मिला लेकिन सिंगल लेने से नहीं रोक पाएंगे, बढ़ता है स्कोर 14 रन। संजय बढ़िया भाई ये गेंद फुलटॉस गेंद नसीहत 4 रन वाली सत्ती का सत्ती प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ। जैसे ही वार्नर आउट हुए उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली है। 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे अभी तक 10 गेंदे हुई है। बढ़िया बढ़िया संजय भाई बोल है बढ़िया भाई बढ़िया संजय भाई बहुत बढ़िया बोल रहे यार। और ये गेंद लीजिए इस बार छोटी बॉल गई 4 रनों के लिए। ये शायद अच्छी बल्लेबाजी कभी लेग साइड में तो इस वक्त लॉन्ग ऑन ऑन पे निकाल गेंद को। बढ़िया बढ़िया संजय भाई बोल भाई बढ़िया बढ़िया संजय भाई बहुत बढ़िया शानदार बल्लेबाजी बैक टू बैक चौके ये गेंद बेबी को बेस पसंद है इस वक्त सट्टी को यहां गेंद पसंद है 6 रनों के लिए 8 दिखाता है 2 रनों की समाप्ति के बाद भर्ती के खिड़की नाम तो सुना होगा खड़का देंगे खिड़की। बाढ़ देंगे फाड़ देंगे चीर देंगे के खड़फड़ी सत्तर नहीं दिखाई दे रही है। सतड़ भाई अपने पार्टनर को देखें एक बार और उनका साथ निभाए। रिंकू है भाई भाई रिंकू है अभी जो रन बने हैं 28 2 रनों की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर समाप्त 28 रन 1 विकेट के नुकसान पे। सट्टी खेल रहे 5 गेंदों का सामना किया 15 रन पे जिसमें 2 डेरी मिल्क वाली चॉकलेट 1 छक्के के साथ। अब है अंकित सामना करेंगे रिंकू। रिंकू की गेंद को हवा में उड़ाया और दिखाया है इस बार 6 रनों का दर्शक यही तो दर्शक देखना चाहते हैं। ओहो 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 ये खतरनाक है दर्शक। सिपाही की टीम में इनको शामिल किया जाए यहाँ आसपास के टूर्नामेंट में ध्यान दीजिए बाबू तस्कर के खिड़की पे ध्यान दिया जाए उनके स्वास्थ्य को ध्यान और ये लीजिए स्वास्थ्य मुश्किल में अंकित भाई का बिगड़ चुका है। अब विकी आना चाहिए विकी है तो जगह है विकी आए हैं नए बल्लेबाज विकी आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए
सरपंच जी पे निकल खड़े। अब जिम्मेदारी गांव की कौन संभालेगा, अब एक ही आए हैं शक्ति का साथ निभाने के लिए। मंजित मंजित भाई भी बता चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में, स्वागत रहेगा उनका भी। देखिए 03 नंबर टी शर्ट के साथ और ये चली गेंद विकी के लिए, रिंकू की, रिंकू की अच्छी गेंद, पहली ही गेंद जोर कर भरी, तोहफा कबूल किया, सिंगल के साथ कलाई का इस्तेमाल किया और इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 35-35 रन। बढ़िया बढ़िया रिंकू भाई बोल रहे यार, 35 रन बढ़ता हुआ स्कोर। ये गेंद लीजिए, ओहो वाह जी वाह, मजा आ गया, बेहतरीन लंबा छक्का, डम 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 बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दर्शकों के द्वारा भी के खड़गड़ी और इसी छक्के के साथ बढ़ता है स्कोर, पता नहीं ये गेम वापसी गेंदबाज रिंकू के द्वारा। बढ़िया बढ़िया रिंकू बोला भाई, एक नंबर है बढ़ता है स्कोर। दूसरा ओवर प्रगति के यार, ये सिंगल के लिए धकेल दिया गेंद को, जमीनी फटका, सिंगल का है झटका। तीन दो ओवरों की समाप्ति के बाद बयालीस बढ़िया प्रवेश खेच के भाई फील्ड देख लिए फोन कर रहे हैं मेरे यार को गेंद को निकाल दिया बाउंड्री से बाहर, शानदार जबरदस्त बल्लेबाजी। जिंदगी टीम ये देखना नहीं चाहेगी, लगातार चौकों की बारिश, छक्कों का बरसात जो हो रही है। ये लेफ्ट साइड में लपेटने की कोशिश थी, वाइड करार रहेगा अंपायर द्वारा, बढ़िया बढ़िया प्रवेश बोल, बॉलों को वापिस पहुंचाए जा रहे हैं दर्शकों के द्वारा, अच्छा कार्य है सभी दर्शकों का, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे।
जो भी आते हैं खूब इस कमेटी का सहयोग करते हैं। ये गेंद शक्ति के लिए, शक्ति घुमाना चाहते थे लेकिन इस वक्त नसीहत तो वो नहीं दे पाएंगे जो देना चाहते थे। सिंगल के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा। क्रीज पे अभी भी मौजूद है शक्ति एंड विकी, वार्नर अंकित तो दोनों जा चुके हैं बाहर की तरफ। हो ये चली गेंद, आगे डाल दी गई गेंद, बड़ी गलती लेकिन ओ माय गॉडनेस, कैच छोड़िए मैच छोड़िए। और इस वक्त सूरजगढ़ का ये फील्डर जिसका नेम लेफ्टी रमेश लेफ्टी के लिए जाने जाते हैं, उनके ना खुश होंगे अपने आप से, जिस काम के लिए लगाया गया वो काम पूरा नहीं कर पाएंगे। ये गेंद, ओ वाह गेंद, लाजवाब गेंदबाजी। जिंद की टीम है, जिंद इस वक्त गेंदबाजी कर रही है। ये गेंद हल्का तो सीखेना है, बोट बोल रहेगी, निश्चित बोट के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि गेंद को धकेल नहीं पाई जहां पे धकेलना चाहते थे। और हो गया शायद वही पिच पे बदलते गेंद घूमती रही। अगला मुकाबला इनमें से जो जीतेगा वो सूरजगढ़ राजस्थान के बीच खेलता नजर आएगा। लगा भाई, लगा प्रवेश है, एक बॉल की है भाई। ये बॉल गेंद, एक और बॉल, दर्शक देखने वाला था इस गेंद के साथ। अरे क्रिक रोज निकाल के जाना, बढ़िया है बढ़िया। रन कितने हो गए बताइएगा जरा, 50 50 पूरे। सरकार कितना इनाम रखी है रे हम पे, 50 सरकार 50। पचास रखे है, 42 है, 50 चार ओवरों की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर जिसमें शक्ति ने 13 गेंदों का सामना किया 28 रन पे, और विकी अभी तक 2 गेंदों का सामना किया 2 रन पे खेल रहे हैं। कुत्ते का पांचवा, तो माफी चाहेंगे टीम की तरफ से पांचवा ओवर डालने के लिए आ रहे हैं काली दहिया। और आप घर बैठे अगर मुकाबला देखना चाहते हैं सत्ता लाइव यूट्यूब एंड फेसबुक पे और हरियाणा पंजाब लाइव को भी एंजॉय कर सकते हैं। लगातार इस क्षेत्र में सबसे नाम चर्चित है हरियाणा पंजाब के ओनर रवि का। और ये लीजिए निकाल दिया है तीर की तरह, और ये दर्शक देखने वाला था, आनंद आ गया दर्शकों को 4 रन के लिए। इसी चौके के साथ बढ़ता स्कोर 54 रन। खूब खूबसूरत बल्लेबाजी, जहां से ही बॉलर की विकेट गई थी खूब जिम्मेदारी निभाई जा रही है। ये गेंद, अच्छी वापसी, सिंगल मिलना चाहिए रवि सैनी जो इस टीम को फील्ड पे लगाया गया है। जिंद टीम इस पर फील्डिंग कर रही है और इन दोनों टीमों की खूबसूरती बताना चाहेंगे दोस्तों, बल्लेबाजी बहुत मजबूत है। पिछले मुकाबले में जिनकी टीम के खिलाड़ियों को देखा था, वेलकम बूम 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 बूम। बेहतरीन छक्का, इसी छक्के के साथ उड़ता हुआ स्कोर उछलता हुआ 61 रन।
दो विकेट के नुकसान पे। बुम 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 बंद कर देने लगा और कर। बढ़िया बढ़िया रिंकू भाई बोल यार, कोई दिक्कत नहीं था बस। शानदार जबरदस्त अभी तक माहौल बना हुआ है। शक्ति का टोटल निजी स्कोर हो चुका है 15 गेंदों में 33 रन, जिसमें 4 डेरी मिल्क वाली चॉकलेट और 2 गांठों के साथ। दर्शकों को मोहित किया है अभी की स्ट्राइक पे ये गेंद। और ये बड़ी विकेट होनी चाहिए, विकी के रूप में जाएगी और अब लकी आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक गया तो दूसरा आया। ये भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं शक्ति के साथ, अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है इस खिलाड़ी का। फाइनल मुकाबले में राजस्थान में आपने देखा होगा 61 रन पे 3 विकेट के नुकसान पे। और खाट ने देख के, कब्जे के प्लाट ने देख के, लग गया हरियाणा नहीं गई, लग गए तुमने जाट ने देखे। और ये आ चुका है इस वक्त स्ट्राइक पे लकी 9 नंबर टी शर्ट के साथ। ये गेंद और ये आते हैं पहली गेंद पे प्रहार किया है, लेकिन फिर रहे वहां पे सिंगल की दरकार, बढ़ता हुआ स्कोर 62 रन। ये बॉल लटी गेंदबाज के बाद अच्छा प्रयास सिंगल के लिए धकेल दिया है, फील्डर वहां पे मौजूद है, सिंगल के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 63 रन 5 ओवरों की समाप्ति के बाद। अब लास्ट ओवर 63 रन बने हैं, अच्छा स्कोर बोला जा सकता है क्योंकि उचाना के पास अच्छी गेंदबाजी है। लेकिन अगर जिंदे टीम की भी बात की जाए तो इनके पास बल्लेबाजी मजबूत है, तो मुकाबला किसी के पक्ष में जा सकता है। अगर 70 या 72 प्लस होता है स्कोर तो उचाना मजबूत रहेगी, एक दबाव होगा मानसिक रूप से 70 रन, और अन्यथा 70 से नीचे रहता है तो बिल्कुल जिद टीम के पक्ष में ये मुकाबला जा सकता है। भाई बॉलर और जिस तरह से उचाना के टीम का जो प्रदर्शन है दर्शकों के मुंह से तो यही निकल रहा है कि उचाना मुकाबला ये गवानी वाली है नहीं। ओम का ओम वीर की अच्छी कप्तानी के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है इस टीम में, लेकिन अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं भाई का नेम है तुषार। तुषार आए हैं गेंदबाज, पहली गेंद। इस ओवर में कितने रन बनते हैं कमेंट के माध्यम से बताएं, जो भी इस वक्त घर बैठे उन लोगों के सामने जो सेवा ले रहे हैं। नो बॉल का इशारा, ओ माय गॉडनेस, मैच कहीं गवा दिया लगता है, कहीं ये गवा दिया लगता है, बहुत बड़ी अंपायर का इशारा सोमीर प्रोफेसर ने इस वक्त लगा दिया मोहित कि हम तो हमारे घर वालों की नहीं सुनते तो आपकी बात सुनेंगे, तभी तो इस माइक में यहाँ सेवा दे रहे हैं। 70 रन बन चुके हैं, पहली गेंद डाली नहीं गई है, फ्रीट रहेगी और यहाँ दे दे यार हवा में, फील्डर मौजूद ऑल कैच छूटा है लेकिन फ्रीट आओ हो, ये इतिहास फिर से दोहराया जाएगा जो ये मिस फील्ड हुआ है। गेंदबाज नाखुश होंगे अपने साथी से कि आपने ये क्या किया, नैया पहले से डूबी हुई है और ये आपने और धकेल दिया। 74 रन बढ़ता हुआ उसको और 44 पे पहुंच गए शक्ति, क्या 50 बनेगी। ओ राजा है ये, तू
समझे किसने कहा तू अनजान बन के आया कर, तू इस गांव में मेहमान बन के आया कर, ये तुझे ही तो बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, ये तेरी संतलत है, तू यहाँ सुल्तान बन के आया कर। और ये सुल्तान बनाया इस खिलाड़ी ने और 50 पूरे हो चुके हैं, बढ़ता हुआ स्कोर 80, महार बन चुकी है, लग चुकी है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी यकीन लीजिए इस बार, और नहीं नहीं वाइड गेंद रहेगी, बहुत बाहर की तरफ है, इस वक्त गेंदबाज भी सोच रहा है कि अंपायर भी हमारा साथ नहीं देगा, वैसे ही ये नाइट हो जो चल रही है इस वक्त, समय जो चल रहा है 3 मिनट पहले समय सही था लेकिन अब दुर्घटना भी घट रहा है। शॉट इन द स्काई लेकिन बन बाउंस के बाद 4 रनों के लिए आई, शानदार जबरदस्त बोल 85 रन करते बस को आप दूरी बनती हुई इस मुकाबले से, और आपके गेंद लेकर वाइड रहेगी, पटकी भी दिल नहीं थी लेकिन 5वें स्टंप के बगल से गेंद निकली, छियासी रन बनता हुआ स्कोर, बढ़ता हुआ स्कोर 86, 3 विकेट के नुकसान, शक्ति अभी भी मौजूद, 54 रन पे खेल रहे हैं, 20 गेंदों का अभी तक सामना किया है, और 86 रन बन चुके हैं, क्या 100 का आंकड़ा छू पाएगी टीम, 3 गेंदें भी बची हुई, आठ गेंद, यही तो गेंदबाजी, यही तो गेंदबाजी यहां पे परेशानी में डालती है बल्लेबाजों को, जब तक अभी तक जो देखा है माहौल, ये बॉल परेशान करती आई है बड़े बड़े बल्लेबाजों को, वार्नर गए थे लेकिन वार्नर की जिम्मेदारी शक्ति निभाते हुए, ये गेंद शक्ति के लिए, और शक्ति के बारे में बता देते हैं सरकारी विभाग में लगे हुए दोस्तों, उचाणा नीलू उचाणा के भी नाम आपने बहुत बार सुना होगा, वो भी सरकारी विभाग में है, यहाँ से खेलने के बाद सुबह उनकी ड्यूटी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिकेट के प्रति इस दोनों खिलाड़ियों का कितना है जुनून, और ये गया ये नाइट शक्ति के नाम रहेगी, जो गेंद कहीं और जानी चाहिए वो कहीं और जा रही है, जो डिविलियर्स स्ट्रोक लगाते थे उस अंदाज में आज ये सूर्य बने हैं, सूर्य यादव बन चुके हैं, बढ़ता हुआ स्कोर 90, 1 गोल और अगर इस गेंद पे प्रहार हो गया तो निश्चित मोहर लग जाएगी बाबू तस्कर, माय गुडनेस, शानदार जबरदस्त गेंद ने, ओहो गेंद नापने चली है कद आसमान का, जवाब नहीं है इस उड़ान का, शानदार जबरदस्त छक्के के साथ 96-96 रन बन चुके हैं, सेमी जो रमेश सेनी नैती थे उन्होंने जो फील्डिंग करवाई इस टीम को, लेकिन वो फील्डिंग अब काम नहीं आएगी, स्कोर बोर्ड जो लग चुका है बहुत बड़ा, अगर 10 ओवर भी हो तो ये टीम दमकम रखती है रन रोकने का, तो ये तो 6 ओवर है, किस तरह से रन बनाएगी जीत की टीम, जिद्दी टीम और जीत की, क्या ये मुकाम हासिल कर पाएगी, 97 रन बनाने हैं, 64 रन बनाए हैं 23 गेंदों में शक्ति ने, शक्ति ने 23 गेंदों में 64 रन बनाए हैं, बड़ा समझाया तेनु समझ न आया तेनु पद कर दाए दिलदारियां तेरे ते गिलाए सानू पागला दिला दे कानू ला लिया क्यों यारियां, और ये उचाणा की ये साथ यारियां चलेंगी नहीं दोस्त,
क्योंकि ये जब समय लगता है वो समय में जो घटा है 97 रनों का टारगेट दिया है 36 गेंदों में। अगर बात की जाए प्रत्येक ओवर में 16 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने हैं, 2 चिड़िया उड़ानी अनिवार्य है, उसके साथ अगर आप डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट दें तो चलेगा काम, अन्यथा तो मुकाबला बहुत दूर की तरफ चला जाएगा, दूर 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 बहुत दूर। और जो YouTube पे इस वक्त जुड़े हैं कमेंट कीजिएगा, यहाँ से आपके जवाब दिए जाएंगे, आपके कमेंटों के साथ नाम पढ़ा जाएगा, यहाँ से कौन कौन साथी इस वक्त इस नाइट में अपनी रात को रंगीन जो कर रहा है। इस वक्त 19,000 युवा साथी जुड़े हुए हैं। मोनू मोनू जी स्वागत है आपका, जिनकी टीम विजय रहेगी बिल्कुल जी, जिस तरह का भी स्कोर बना है मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप भी जिनकी तरफ टीम की तरफ झुके हुए हैं बिल्कुल बनेगा। और सुनील 0007 राम राम सतपाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, वेलकम स्वागत है बोस। और स्कॉरिंग नॉन स्ट्राइक कौन है? अब बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं जीती टीम के शानदार जब बल्लेबाज, जिन्होंने पिछले मुकाबले में दम दम दिखाया था, अभी भी यही बैठे सुन रहे हैं सुनील भाई, बिल्कुल धन्यवाद आपका, एंजॉय कीजिए आप सभी शानदार जबरदस्त माहौल के साथ। इस वक्त मैंने भी जाना यार, ले दिया भाई कहीं भी ले जाइए, बैठ जाइए अपने को। अच्छा मैं ला दूंगी, लवी भाई पहली गेंद डालने के लिए तैयार, उचाना की रफ्तार मेरे उचाना, फील्डर चाहिए, फील्डर बाबू फील्डिंग रही है, खतरनाक फील्ड रही है, जाइए प्लीज, दो चार कैच छोड़े आप। 97 ये हमारी टीम के सभी सदस्य सब काम कर सकते हैं, फील्ड के लिए आप लिए, कमेंट्री के लिए लिए, लाइव के लिए आप तैयार, यहाँ लाइटिंग के लिए तैयार। सोमवीर शोरान भी जुड़ चुके हैं, चारा गेंद रहेगी, पहली गेंद और अंदर, पहली गेंद पे कैच, फिर भी 97 रनों का टारगेट है, 1 रन बन चुका है। अब 35 बॉल 96 रन, 35 बॉल 96 रन, 10 चिड़िया उड़ाने अनिवार्य रहेंगी, अन्यथा तो ये मुकाबला उचाना फिर से अपने कब्जे में कर लेगा। नीलू फिर से तैयार, बल्लेबाज है इधर से संजय, संजय को बेहतरीन गेंद, बहुत ही गेंद शानदार वापसी, गजब की गेंद, इशार फिर से तैयार, नीलू अपने छोर से तैयार होते नजर आ रहे हैं। अगला मुकाबला इनमें से जो जीतेगी वो सूरजगढ़ राजस्थान के बीच खेलेगी। आठ गेंद शानदार जबरदस्त बोल, मैं पागल हूं और बहुत पागल, पर ये भी बात है कि दिल सच्चा है, छीन तो लेता तुझको सरेआम, छीन तो लेता तुझको सरेआम, पर मसला यह है कि सोहर तुम्हारा आदमी अच्छा है, लेकिन इस वक्त ये गेंदबाज अच्छा दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिस लेवल का ये गेंदबाज है, जोरकर भरी गेंद परेशान करती हुई बल्लेबाज को,
नीलू बहुत बढ़िया। कहीं फकीर कहीं बादशाह रहा हूं मैं, इससे पहले भी पागल बना रहा हूं मैं। कहीं तू बाद में गिला न करने लगे, कहीं बाद में तू गिला न करने लगे। मैं बेवफा हूं पहले से बता रहा हूं मैं, इस बल्लेबाज ने ये बेवफाई निभाई है, आगे डाली गेंद को पहुंचा दिया मंजिल तक। और इस बार फिर से धकेला है सिग्नल के लिए और ये रात बड़ी गलती। ओ माय गुडनेस बहुत बड़ी विकेट। और नए बल्लेबाज आ रहे हैं, भाई का नाम लास्ट ओवर जिन्होंने डाला था ये गेंद लीजिए। गेंद खूब अशुरती को पहला ओवर नीलू चौना का समाप्त। एक ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पे जो रनआउट के रूप में खुदकुशी की 8 रन थे। मैं जल्द आपके आसपास इलाके में भी टूर्नामेंट रात्रिकालीन रहेंगे दोस्तों, बिल्कुल आप भी अगर हमारी सेवा लेना चाहते हैं तो जो आपको सामने सतपाल आय के नाम से जो पोस्टर दिखाई दे रहा है बिल्कुल वहां पे नंबर दिए गए हमारी टीम के सदस्यों के, तो आप कर सकते हैं। अब स्ट्राइक पे रहेंगे पहली गेंद खेलने के लिए तैयार। अब बॉल बची है 30 रन चाहिए 89। यहां दीजिए सजा लीजिए, शानदार जबरदस्त ताली गेंद शक्ति प्रदर्शन इस बार बल्लेबाजी में। तुषार ये बाहर से शर्ट होके आए हैं, तुषार सुनील वाई पी लिया होगा वाई 007 होगा पी के आए वो भी बिल्कुल वाई उचाना अच्छा खेल रही है। बहुत लंबा हिट लगा है, बॉल भी इस वक्त सोच रही है कि किसकी रडार में मैं आ गई। ये गेंद लीजिए, लाठे गेंद वापसी स्लो डिलीवरी के साथ। चेहरे तुम्हें मिल जाएंगे हमसे भी खूबसूरत, लेकिन जब बात दिल की होगी ना तब तुम हार जाओगे। और ये जो पहले गेंद पे छक्का लगा था उसके बाद वापसी की है गेंदबाज ने, एक नंबर है भाई। ये बॉल शानदार जबरदस्त, दंड कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तुम वंश जाए फेंक भाला जहां तक जाए। और फेंक दिया दूसरा हिट, बल्लेबाज बरुसार ने 5 7 गुप्त है लेगी भाई। बच्चे भाई से निवेदन है कि दूध कम डाल के चाय की व्यवस्था करें। ये गेंद लीजिए इस बार, और ये हिट लगा है बेहतरीन प्रयास लकी के द्वारा। ओ हो
बड़ी बड़ी सफलता हो सकती थी अगर रन आउट के रूप में मिलती तो। प्रदीप भाई राम राम भाई। 21 रन बन चुके हैं। बोला भाई एक नंबर। एक विकेट के नुकसान पे 21 रन। बिल्कुल भाई काली बहुत अच्छी बैटिंग। शानदार जबरदस्त वापसी गेंदबाज के द्वारा। रन बने हैं 21। अभी भी 25 बॉलों में 76 रनों की जरूरत है। 10 छक्के लगाने अनिवार्य है अन्यथा तो गवा देगी मुकाबला। कैसे उसने ये सब कुछ मुझसे छुपा कर बदला। ये चली गई ये बॉल। व्हाट इट, कैसे उसने यह सब कुछ मुझसे छुपा कर बदला। चेहरा बदला, रास्ता बदला, बाद में घर बदला। मैं उसके बारे में ये कहता था लोगों से, मेरा नाम बदल देना अगर वह शख्स बदला। और ये बदल गया है शख्स जो छत्ता जिन्होंने लगाया है। बढ़कर स्कोर 27 पे पहुंचाया है दो ओवरों की समाप्ति के बाद। अभी भी 24 बॉलों में 70 रनों की आवश्यकता। अगर बारिश अगर आती है तो दो ओवरों में यहां 31 रन होने चाहिए थे। तो बिल्कुल मतलब उछाणा की टीम पकड़ बनाए हुए अभी भी मुकाबले में। काली जी तुषार काली रात में पीली चिड़िया उड़ाते हुए। राम राम भाई अजय खान। तगड़ा का बेटे बढ़िया है लीलू लमरदार। हाँ भाई साहब बोल यार ये क्या हुआ। घटना घट गई और पड़ोसी को पता भी नहीं चला। और ये नए बल्लेबाज जा रहे हैं कल का पुल भाई जुप्पा ने क्लियर कराया भाई। प्रदीप भाई जुप्पा कल का पुल क्लियर कर चुके हैं। तगड़ा का बेटे बहुत बढ़िया बोल है भाई। दंता पास बोल है भाई। नाम क्या है। ठेपर खा गए जवान होया मागे पेट में कोई सिक्के को नहीं। बितेड़ी बात जुबान पर लाया झूठी बात बोलना बनी। मेरी तरीकी ने लोग बताया तुक्को धक्का किता खाया है बेबान दिखेगी को नहीं। ये लीजिए तुक्का नहीं है मेरे दोस्त। वक्त जाहिर किया इस क्रिकेट में सभी को व्यतीत किया इस माहौल को बनाने के लिए। बढ़िया एक नंबर लक्की बॉल। 27 रन बने हैं तीसरा ओवर प्रगति पे। ये तो प्रहार सिंगल का ओवर बढ़ता स्कोर 28 रन इसी के साथ। कमरा के बेटे तीन बॉल से बस विकेट होगी। ये बॉल लीजिए। वाह गेम लेकिन खूब असर स्ट्रोक अच्छी फील्डिंग नजारा सिंगल के द्वारा। बढ़ता स्कोर 29 29 स्कोर बढ़ता हो जाएगा। तगड़ा होगा भाई। ये बॉल जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। क्या मुश्किल क्या आसान जब ठान लिया तो ठान लिया। बेहतरीन एक और लंबा हिट बढ़ता स्कोर 35 रन।
बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। सोमवीर प्रोफेसर रिसेट दिखाई नहीं दिए हैं आज की नाइट में। अंपायर उनकी आत्मा भटक रही है। बड़े भाई साहब से बहुत बार फोन पे बात हो चुकी है, उनके वो 3-4 छक्के आज तक उनकी रील नहीं बना पाए हैं, शायद अगला जन्म लेना होगा भाई साहब। और कल अगर आपका मुकाबला है और आप छक्के लगाते हैं तो इस टूर्नामेंट में किसी की रील नहीं बनाऊंगा आपके सिवा। 62 लगे शायद तगड़ा मैच है भाई। पैतीस रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पे अब आज गेम वार्नर। ये खतरनाक गेंदबाज है। तगड़ा बेटे जेडी सारी डाल ले आगे बहुत बढ़िया लाइन थी। बढ़िया बेटे ये गेम निकाल दिया काटा। बॉल चली जाएगी फील्डर के हाथ में लेकिन बहुत बड़ी विकेट। टेगोर स्कूल तारानगर का जो बोर्ड लगाया था उससे पहले गेंद रुकती हुई नजर आई। अब नए खिलाड़ी आए हैं वतन साथियों ये निकल चले हैं। भाई क्या नाम है? तगड़ा होगा 4 बोले। मंजिल आने को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, उसमें में उड़ान होती है। और ये गेंद और ये हौसला हवा के साथ और अलग छक्का गिरवा दिया। क्या खराब फील्डिंग नीलू बोल रहे हैं कि वो नीले में दिखाई दे रहे हैं। फील्ड को चेंज किया जा रहा है कि क्या छोड़ दिया तो सजा मिलेगी और सजा इस वक्त तो इस की मिलती है फील्डर को। तगड़ा होगा 3 बॉल भाई। वार्नर फिर से गेंद ये बॉल तगड़ा हो गए। माहौल बनाया गया है बाउंड्री का लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद सिंगल मिलेगा। अभी भी 13 बोलों में 53 रनों की जरूरत है। मतलब मुकाबला उचाणा के पक्ष में 90% हो चुका है। अच्छा प्रयास डोट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति 4 ओवरों की समाप्ति बाद 44 रन 3 विकेट के नुकसान पे 12 बोलों में 53 रनों की आवश्यकता है। मतलब 10 या 11 बोलों को उड़ाना बाउंड्री से बाहर पहुंचाना तभी काम बनेगा। 15 चुम्बन प्रत्येक पे चौका भी लगे तो 12 चौको 48 होते हैं दोस्तों। छक्के लगाने होंगे उसके साथ लकी तगड़ा होगा भाई शाबाश। ये चली गेंद लकी की गेंद और निकलेगी गैप में 4 रनों के लिए। प्रयास किया जा रहा है अब 11 बोलों में
49 रन बनाने हैं आपको अगर मुकाबला ये जीतना है तो कल भैया के द्वारा। अच्छा चौका, ये गेंद काली भैया के लिए। ये बोल छह रनों के लिए, शानदार जबरदस्त 10 बॉल 43 रन। अब प्रत्येक गेंद पे चौका लगे तो 40 ही रन बनेंगे, फिर 3 रन पीछे, छक्का फिर लगाना होगा। जब लोग कहते हैं कि एक दिन हार जाओगे कब तक लड़ोगे, तब हमारी टीम कहती है दोस्तों, मुश्किलों की शहर से मंजिलों की तलाश में आया हूँ, मजबूरियों को पीछा छोड़ परेशानियों से लड़ने आया हूँ। जो लोग किस्मत के भरोसे चलते हैं, शक होगा शायद उन्हें अपनी मंजिल पे। मैं कैसे हार मान लू, मेहनत की दम पे अपनी मंजिल को पाने आया हूँ, अपनी मंजिल को पाने आया हूँ। आर्य चली गेंद फिर से, आहा, 4 रनों का दर्शन, साइड थक चुकी है भाई गेंदबाज। 8 बॉलों में 39 रनों की जरूरत है, 8 बॉल 39 रन, मतलब 6 छक्के काम बन सकता है बची हुई गेंदों में। दो बोल यार, ये चले दर्शक 30,000 यहां से टूटते हुए। वाली बात फिर से तैयार, बिल्कुल भरपूर फायदा उठाया, 13 गेंदों में 30 रन पे पहुंच गए हैं काली भैया। तालिया, ये गेंद बोल है यार। ओहो हो, गैप में नहीं दिख पाएंगे, 2 बोल, 1 रन लेना नहीं चाहते, 2 देंगे नहीं, 1 बोल है तगड़ा वाला की। अभी भी 7 बोले, 40 रन, छक्के लगाने अनिवार्य रहेंगे, अन्यथा तो ये मुकाबला गवा चुके हैं। शानदार कैच, टिकट कटी है, नई दुर्घटना घटी है। उचाना, कौन टीम पुल क्लियर करेगी, शायद रमेश सैनी सोच रहे होंगे, लाठी जो सूरजगढ़ राजस्थान से पहुंचे हैं, यहाँ पे 90 किलोमीटर दूर से आई है टीम, दोनों टीमों की दूरी लगभग इतनी ही है, उचाना भी यहाँ से 90 किलोमीटर के आसपास है, शक्ति भाई बताएंगे 90 से ज्यादा दूरी तो नहीं है, यहाँ से 100 किलोमीटर है, उन्होंने ये 10 किलोमीटर जोड़ दिए है, जो इनके गाँव की काकड़ है वो 100 किलोमीटर दूर है। बड़ी विकेट, 92, हमने तो यहाँ से सर्च भी कर लिया है, ये जो सीबीआई बिछा रखी है खरकड़ी वालों ने, इनपे समय से पहले ही टाइपिंग के माध्यम से सारा काम किया जाता है। नई बल्लेबाज आ रहे हैं, भाई साहब का नेम है काली कैप वाली, 5 बॉलों में 40 रन चाहिए, ये गेंद बंद है, गैड बॉल, 5 बॉल 38 रन, छक्कों से भी काम बनने वाला है नहीं, 9 बॉल का 7 आपको चाहिए तभी आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और
जिस तरह से इस वक्त बल्लेबाजी चल रही है, बल्ले बल्ले ले ले ले, एक और विकेट लिख दीजिए। और मैं बता देता हूं, राजस्थान में जो टूर्नामेंट हुआ था उसकी विजेता टीम उचाणा है। उचाणा हमारी लाइटिंग में 6 बार खेल चुकी है, 6 का 6 टूर्नामेंट इन्होंने अपने नाम किए हैं। हरियाणा में तो एक तरफा माहौल रहता है इस टीम का, 63 रन बने 6 विकेट के नुकसान पे। फिर से वाइट, अच्छी डिलीवरी है, स्विंग किया जा रहा है बार बार लगातार। मुकेश करकड़े का इशारा वाइट, तुम्हें हम भी स्थाने पे उतर आए तो क्या होगा, गौर कीजिएगा, तुम्हें हम भी स्थाने पे उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पे उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने पे उतर आए तो क्या होगा। और ये इस वक्त सच्चाई आप देख सकते हैं वार्नर के द्वारा लगातार बोट गेम में। सूरज कप्तान टॉस के लिए आ जाए भाई, उचाणा और सूरजगढ़ का कप्तान टॉस के लिए। ये सारी जैसे ही सुनी है रमेश करो जी जाग उठे अंदर से, मेरे एक मैच दे भाई टॉस कट जाएगा। टॉस करने के लिए आज